जंगल से नर्स को ढूंढने वाला ही निकला अपहरणकर्ताओं का सरगना। नर्स के अपहरण की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। अपहरण की साजिश कोई और नहीं बल्कि उसके साथ नेटवर्किंग में काम करने वाला नजदीकी युवक निकला। अपने ही एक साथी को 3 लाख की सुपारी देकर नर्स का अपहरण कराया और 2 करोड़ की फिरौती मांगी। पुलिस की नाकेबंदी हुई तो पकड़े जाने के डर से बोईदा के पास जंगल में आंख में पट्टी बंधी अवस्था में नर्स को छोड़ दिए। इस मामले का मास्टरमाइंड युवक खुद वहां मददगार के रूप में जा पहुंचा। 25 दिसंबर की रात को भिलाई बाजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने स्कूटी से ड्यूटी आ रही भटोरा निवासी ओम साहू को सफेद रंग की स्कॉर्पियो में पहुंचे अज्ञात अपराधी हाथ खींचकर गाड़ी में बैठा अपहरण कर ले गए। इस वारदात से न केवल क्षेत्र में बल्कि जिले समेत पूरे राज्य में सनसनी फैल गई। यह दुस्साहसिक घटना पुलिस के लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं थी। पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रतनलाल डांगी भी घटना के दिन ही देर रात को हरदी बाजार पुलिस चौकी पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने बताया कि पहले भटोरा में ही रहने वाला सुरेंद्र राठौर इन दिनों कोरबा के मानिकपुर क्षेत्र में परिवार के साथ रहता है। भटोरा के रहने वाली नर्स ओम साहू से उसका पूर्व परिचय था। उसके साथ मिलकर नेटवर्किंग सेल्स का काम भी नर्स करती थी। बेहद नजदीकी होने की वजह से दोनों का मिलना जुलना था, घर भी आना जाना था। भटोरा की जमीन कोयला खदान के लिए अर्जित कर लिए जाने से ACCL से मुआवजा राशि नर्स को मिला है। इस बात का सुरेंद्र को मालूम था। उसने महिला का अपहरण कर उसके पुत्र पुत्री से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने जाने की योजना बनाई और इसके लिए उसने संजीव कुमार गोड़ को तैयार किया। इस काम के लिए उसने 3 लाख रुपए की सुपारी उसे दी, एडवांस के तौर पर 16,000 नगद दिया। इसके बाद संजीव ने गांधीनगर सिरकी में रहने वाले अरविंद प्रसाद सिंह कोर्राम, शत्रुघ्न सिंह, सुनील कुमार सिंह व गोवा राज चोड़ा निवासी को अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। संजीव ने भरोसा दिलाया कि फिरौती की रकम मिलने पर उन्हें भी अच्छा खासा हिस्सा दिया जाएगा। पूरी योजना तैयार करने के बाद 25 दिसंबर की रात को अस्पताल के सामने से बलपूर्वक नर्स का अपहरण कर लिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सुरेंद्र समेत गाड़ी में सवार 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनका एक साथी सुनील कुमार सिंह अभी भी फरार है। सभी के खिलाफ पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक पटेल ने अपहरण के सभी आरोपियों को गिरफ्तार किए जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिस कर्मियों को 10,000 नगद पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है। इस केस का जो मास्टरमाइंड था वो है सुरेंद्र है। उसने एक संजीव गौड़ नाम के व्यक्ति को 3 लाख रुपए की सुपारी दी कि उस महिला को हम लोगों को अपहरण करना है। घटना करने का मुख्य जो कारण था वह था 2 करोड़ रुपए की मांग करना वहां पर, क्योंकि महिला को ऐसा सुरेंद्र को मतलब उसको कहीं से ज्ञात हुआ था कि महिला को जमीन संबंधी मामले में अभी काफी पैसे मिले हुए हैं, तो मुआवजे की रकम जो मिली हुई है उसको फिरौती की रकम के रूप में मांगना उनका मुख्य उद्देश्य था। तो सुरेंद्र इस केस में था, मास्टरमाइंड था। उसने संजीव गौड़ को सुपारी दिया, संजीव गौड़ ने अरविंद नाम के व्यक्ति की गाड़ी को लिया और अपनी एक टीम बनाई और उसने घटना कारित किया। घटना करने के बाद उन्होंने महिला की आंख में पट्टी बांधा और पट्टी बांधने के बाद में उसकी सेल को लिया, मोबाइल को लिया, तोड़ के जंगल में फेंक दिया। लेकिन घटना घटने के बाद में हमारी पुलिस सभी दिशाओं में सक्रिय हुई। IG सर भी आए, DG साहब जी का भी हम लोगों को दिशा निर्देश प्राप्त हुआ, IG इंट सर का भी प्राप्त हुआ और उसके बाद हमारी पूरी पुलिस टीम एडिशनल SP CSP थाना प्रभारी पूरी टीम साइबर की टीम सक्रिय हुई और सक्रिय होने के पश्चात में पूरे क्षेत्रों में आसपास के जिलों में हम लोगों ने वहां पर ब्लॉक किया और वाहनों की चेकिंग शुरू की। ये खबर जैसे ही अपहरणकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने तुरंत ही मतलब उनके मन में डर हो गया और उन्होंने बोईदा के जंगल में उसको महिला को छोड़ दिया। और सुरेंद्र जो मास्टरमाइंड था उस समय महिला को नहीं पता था, उसको उसने फोन किया। सुरेंद्र जो था वह मतलब उनके बीच में एक मीडिएटर बन करके केस को सुलझा करके फिरौती की रकम वसूलने की फिराक में था। उसके बाद महिला को उसने अपने बुलेट गाड़ी में बिठा करके उसके बाद उसको मतलब अपने घर लाया, क्योंकि महिला उस समय काफी भयभीत थी, अपने घर में नहीं रही, अपने शहर मतलब अपने घर पे लाया। और लाने के बाद में हम लोगों को पीड़िता को जो भी था पीड़िता ने मतलब हम लोगों के पास में पीड़िता को हम लोगों ने मतलब पुलिस को संपर्क किया, पुलिस ने उसको ढूंढ निकाला
इस पूरे केस में जब हम लोगों ने संजीव मोड़ यानी कि अरविंद की गाड़ी, इसमें जो सबसे बड़ी हेल्प किया, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर CG12 था, क्लियर था, तो गाड़ी का कलर से जब हम लोगों ने मैचिंग किया, CCTV फुटेज एंड ऑल द थिंग्स हैज मैच्ड, कि जब आपस में मिल गए तो फिर हम लोगों ने अपनी पूछताछ शुरू किया, पूरा केस अपने को डिटेक्ट हुआ। ये बहुत बड़ा केस था, बहुत सेंसिटिव केस था, क्योंकि हरदीबाजार क्षेत्र में नर्स का अपहरण होना कोरबा जिले के लिए बहुत बड़ी घटना थी। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट।